हम कहते हैं ये जो हमारे पास एक थ्योरम है, इफ एम इज एन इंटीजर और जेड हमारे पास क्या है, कोई वेरिएबल है, इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर, देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन पावर जेड ओवर गामा फंक्शन ऑफ जेड प्लस एन इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो हमने क्या करना है, प्रूव करना है। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ जेड जो है वो बराबर है किस चीज़ के, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन पावर जेड ओवर गामा फंक्शन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एन। और एक और रिजल्ट भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन बराबर होता है हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन ओवर गामा अल्फा के। अब हमारे पास यही रिजल्ट इन टर्म ऑफ जेड अगर हम कहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ जेड प्लस एन ओवर गामा जेड, जस्ट हमने उसको जेड को अल्फा की जगह पे रिप्लेस कर दिया है। जब हम जेड को अल्फा की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर टर्म में फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा था, विद रिस्पेक्ट टू एन था, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, गामा फंक्शन ऑफ जेड प्लस एन, और ये इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, गामा जेड, जो कि यानी कि जब हम उसको रेसिप्रोकल ख़त्म करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यानी कि उसका रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा। ऐसे अगर डिनोमिनेटर टर्म में है तो उसको डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, तो यानी दूसरे लफ्ज में हम उसका उलट ले रहे हैं। अब ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। अब अगर गौर करें तो हमारे पास लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसमें एन पावर क्या है, जेड ओवर गामा जेड, ये बराबर आ जाएगा किस चीज़ के, वन के, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया ना, या कोई है ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, आपको यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, जब हमने गामा फंक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जब लिमिट अप्लाई करते थे तो लिमिट हमारी क्या आई थी, एन टेंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन पावर क्या है, जेड ओवर हमारे पास क्या है जी, जेड प्लस एन इज इक्वल टू क्या है, वन। तो इसमें हमारे पास हमने क्या किया है बेसिकली इस रिजल्ट में, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को क्या समझ आएगा, ये बात कैसे आ गया तो बता सकता है, कभी कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं, कोएफिशिएंट को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं ना कभी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर क्या है, कोई इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास x के वेरिएबल में, ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या है, जब हम कहते हैं कि अल्फा का फैक्टोरियल फंक्शन है ये बराबर है किस चीज़ के, x के, ऐसे है ना, इस तरफ भी हमारे पास वेरिएबल x मौजूद है और इस तरफ भी मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि अल्फा का फैक्टोरियल फंक्शन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वन के। तो इसमें ये जो गामा फंक्शन था, ये गामा फंक्शन इसके साथ इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे है ना, गामा जेड ओवर गामा जेड जवाब क्या आएगा, वन। तो इसका मतलब यह है कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन माइनस वन फैक्टोरियल एन पावर जेड ओवर गामा जेड प्लस वन ये बराबर हो गया किस चीज़ के, वन के, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, समझ आ गया ना, इसके अंदर हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो एक थ्योरम की फॉर्म में है, हम कहते हैं कि इफ अल्फा इज नॉट एन इंटीजर, अगर हमारे पास अल्फा इंटीजर नहीं है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है हमारे पास, गामा फंक्शन ऑफ
हम कह रहे हैं जी वन माइनस अल्फा माइनस एन ओवर गामा फंक्शन ऑफ वन माइनस अल्फा, ये बराबर है किस इसके माइनस वन पावर एन ओवर क्या है स्क्वायर फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन। तो ये रिजल्ट हमने क्या करना है जी प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को भी प्रूव करने के लिए जो गामा फंक्शन ही हमने अब जो फार्मूला अप्लाई किया था कि गामा वन माइनस अल्फा, गामा वन माइनस अल्फा जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ये हमारे पास क्या है वन माइनस अल्फा ऐसे है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर सपोज कर लें कि वन माइनस अल्फा माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं गामा फंक्शन। इसके ऊपर जब हम फार्मूला लगाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस वन। ठीक है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस अल्फा। ऐसे है हमने वन माइनस अल्फा को इस तरह लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो जो ऑलरेडी हमने एक दो रिजल्ट इस तरह के प्रूव किए फिर हम एक और प्लस वन करेंगे तो उधर से माइनस वन हो जाएगा। अब तो हम क्या करते जाएंगे कि माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस वन आपको क्या है माइनस अल्फा माइनस वन। ठीक है अब हम क्या करेंगे अगली टर्म पे चले जाएंगे, इसी तरह करते कराते हम क्या करेंगे एंथ वैल्यू लेंगे। एंथ वैल्यू में हमारे पास क्या हो जाएगा गामा इंटू अल्फा माइनस एन प्लस वन बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना ये वाली वैल्यू। अब हम अगर गौर करें तो ये जो माइनस अल्फा है माइनस अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा माइनस टू अप टू माइनस अल्फा माइनस एन माइनस वन तक जा रहा है, तो इसमें हमारे पास अगर माइनस वन की पावर एन हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस टू अप टू अल्फा प्लस एन माइनस वन, और ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वन माइनस अल्फा माइनस एन ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको रीअरेंज कर लेते हैं, गामा फंक्शन वाले एक साइड पे ले लेते हैं अल्फा वाले एक साइड पे ले लेते हैं, ऐसे है ना। जब इनको फर्दर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है गामा फंक्शन ऑफ अल्फा माइनस एन ओवर गामा अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस वन ओवर माइनस वन पावर एन इंटू हमारे पास क्या है माइनस वन पावर एन इंटू गामा अल्फा एन। अब अगर आपके पास एक जो रिजल्ट था हमने माइनस वन की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एन की पावर टू है, तो ऑलरेडी हम काफ़ी मतलब डिस्कस कर चुके हैं माइनस वन की पावर जब इवन हो जाएगी इवन नंबर तो वो हमारे पास क्या होती है वन होती है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ वन माइनस अल्फा माइनस एन ओवर गामा फंक्शन ऑफ वन माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस वन पावर एन ओवर फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन, और ये हमारा क्या था रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये बड़ा यानी कि इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, और ये जितने भी रिजल्ट आप पढ़ रहे हैं एक तो अच्छी तरह आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर थोड़ी सी भी आप लोग प्रैक्टिस में सुस्ती करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है फिर ये पास भी नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से मोस्टली लोगों की फोर डीपी होती है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, या फेल होते हैं या अच्छी डीपी लेके चले जाते हैं, दरमियान वाली बात नहीं रहती, क्योंकि जो बता थोड़ी सी सुस्ती करता है उसको सारे क्वेश्चन भूलना शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है उसके लिए गलती का चांस नहीं रहता, प्रैक्टिस की वजह से स्टेप बाई स्टेप चलता है। ये जो हमारे पास सफिशन फंक्शन है और ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो आज जितने भी फ्रैक्शनल कैलकुलस है या काफ़ी सारी जो मॉडर्न जो ब्रांचेज हैं साइंस की उसके अंदर सफिशन फंक्शन का बहुत बड़ा यूज़ है, और करंटली बड़े बड़े रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं, और ये आप लोगों की बेस है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, आप जैसे कोई बंदा एफिल करना चाहता है पीएटी करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे बहस जाना चाहता है तो ये वो सब्जेक्ट है वो जो आपकी बेस के तौर पे यूज़ होगा, जिसको आप आगे जाके डिफेंड कर सकते हैं आगे जाके आप इसी में रिसर्च कर सकते हैं। तो इसको यूँ समझें कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं और जो भी लोग अपने साथ सिंसियर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि जब आप आगे जाएंगे तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी।
अगर आप लोग सुस्ती करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप कोशिश क्या करें कि एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। एक और चीज़ नोट कर लें कि क्वेश्चन करना आप लोगों का हक है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ समझ ना आए, क्वेश्चन ज़रूर क्या करें, क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो फिक्स होगा। तो क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप कहेंगे कि मैंने क्वेश्चन किया पता नहीं ये सही होगा गलत होगा, थोड़ा सा शर्माने की उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो खुशी होती है कि जब मेरे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दूं कि जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, वो बोलना सीखता है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकता, लेकिन मुँह से कुछ निकालता है, तो वालदैन खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है, ठीक है। और उसके जो बहन भाई हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि बच्चा बोल रहा है, हालांकि वो सही नहीं बोल रहा होता। तो आप भी क्वेश्चन करें, किया करें, जो भी स्टेप समझ ना आए, ताकि आप बोलना सीखें। आगे आप लोगों ने जब इंटरव्यू देना है उसके अंदर बोलना है, ठीक है। दो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आप लोगों को उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो वो जो दो चीज़ें हैं वो आपकी कौन सी हो सकती हैं फ्यूचर में, कि मिसाल के तौर पे